एक मिनट के लिए सोच ले, ज़रा इमेजिन कर ले कि आप पाकिस्तान, इंडिया या अफ़गानिस्तान के किसी खूबसूरत और पुरसकून कस्बे में बैठे हैं। बच्चे गलियों में खेल रहे हैं, आप अपनी फैमिली के साथ आग के गिर्द बैठे हैं, खाना तैयार हो रहा है। इसी दौरान एक खामोश कातिल आता है और ख़ामोशी के साथ मौत की तिजारत करके चला जाता है। आपके अंदर, आपके प्यारों के अंदर मौत बेचकर चला जाता है, तो क्या ये अच्छी बात है? बिल्कुल नहीं। ये ख़ामोश कातिल कौन है? ये ख़ामोश कातिल वो है जिसने सदियों से इंसानियत को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है कि आज तक कोई और इंसानियत को इतना नुकसान नहीं पहुंचा सका। मेरा इशारा है मलेरिया के पैरासाइट की तरफ, जिसको हम आम जबान में प्लाज्मोडियम कहते हैं। ये प्लाज्मोडियम एक मच्छर के ज़रिए फैल जाता है। मच्छर जो है वो इस प्लाज्मोडियम को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम मलेरिया की दुनिया में एक गहरा गोता लगाते हैं, एक बहुत ही गहरा गोता, और हम इस गोते के दौरान मलेरिया को डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं कि मलेरिया जो है ये क्यों हो जाता है, इसकी अलामत क्या है, ट्रीटमेंट ऑप्शन हमारे पास क्या है, और एहतियाती तदाबीर हम क्या इख्तियार कर सकते हैं। इन सब का खोज लगाने के लिए आज की ये वीडियो जो है वो हम बना रहे हैं। अच्छा, मलेरिया जो है एक पैरासाइट जिसको प्लाज्मोडियम कहा जाता है, उसी से मलेरिया की बीमारी लाहिक हो जाती है। ये जो पैरासाइट है प्लाज्मोडियम जो है, ये एक छुपे हुए कातिल की तरह आपके ब्लड में रहता है और इसी इंतज़ार में रहता है कि जब कोई मुनासिब मौका इसको मिले और वो आप पर अटैक कर दे, वो आपकी जान ले ले, आपके अंदर बुखार पैदा कर दे, आपकी खुशियाँ जो है वो तकलीफ़ों में बदल दे। तो सबसे पहले आपने इस खामोश कातिल को पहचानना है। जब तक आप इस खामोश कातिल को पहचानते नहीं हैं, तब तक आप इससे अपने आप को बचा नहीं सकते। तो मैंने पहले आपको बता दिया कि ये खामोश कातिल जो है ये मच्छर हैं, और इस मच्छर को आपने पहचानना है, इसको आपने अपने आसपास से दूर भगाना है। हत्ता कि अगर आपको मौका मिले तो आप इसको मार भी सकते हैं, और इसको मारना भी है, सिर्फ भगाना नहीं है। तो मच्छर से ख़ुद को दूर रखना है, लेकिन मच्छर से अगर आप ख़ुद को दूर नहीं रख सकते हैं, और ये यकीनी बात है कि मच्छर से इंसान कहाँ तक अपने आप को दूर रख सकता है, ये जो इंतहाई हम जो तरक्की याफ्ता दौर में रह रहे हैं, इस दौर में भी हम मच्छरों से अपने आप को महफूज नहीं रख सकते। इसी तरह जो हमारे गांव हैं, देहात हैं, या जो कम तरक्की याफ्ता इलाके हैं जहां पर बिजली की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है, या जहां अभी तक बिजली मौजूद नहीं है, तो उधर ये तो और भी बड़ा मसला है उन इलाकों में। तो ऐसे इलाकों में मच्छर को भगाना या मच्छर से ख़ुद को महफूज रखना एक मुश्किल काम है। इसी तरह अगर हम बात कर ले तो मलेरिया जो है, ये जब तक इसका इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ था, उस वक्त तक ये दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी थी। ये मलेरिया के लफ्ज़ पर ज़रा गौर करें, मैल गंदी को कहा जाता है और एरिया हवा को कहा जाता है। ये ग्रीक वर्ड से, यानी गंदी हवा, डर्टी एयर।
पुराने ज़मानों में यूनानियों का ये कुछ अकीदा था कि ये मलेरिया जो है ये किसी गंदी हवा की वजह से ये फैल जाती है। तो फिर बाद में फिर जब मरीज़ों के ब्लड से सैंपल लिए गए तो उसके अंदर उनको कोई एक पैरासाइट मिला, और उसी पैरासाइट के बाद उन्होंने कहा कि ये तो गंदी हवा की वजह से फैलने वाली कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये तो इसी पैरासाइट, इस खामोश कातिल की वजह से ये बीमारी जो है फैल रही है। तो फिर उसी के मुताबिक मुख्तलिफ किस्म के इलाज सामने आ गए, जिस पर हम आगे जाकर गुफ्तगु करेंगे। उस दौर में इसका मॉर्टेलिटी रेट जो है वो बहुत ज़्यादा थी उस ज़माने में, यानी जब ट्रीटमेंट इसका कोई मुनासिब इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ था। आम तौर पर ये भी मशहूर है कि सिकंदर आज़म की पूरी फ़ौज जो इधर इंडिया पर हमले के लिए आई थी उसमें भी मलेरिया फैल चुकी थी, और वो लोग बहुत कम लोग उनमें से ज़िंदा वापस गए थे। इसी तरह दीगर भी कुछ रवायात है कि कुछ पूरे के पूरे शहर जो हैं वो इसी बीमारी की वजह से ख़त्म हो गए थे। अगरचि पुराने ज़माने का कोई डाटा हमारे पास नहीं है जिससे हम बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर बता दें, लेकिन इलाज दरियाफ्त होने से पहले जब लोगों को मलेरिया की बीमारी हो जाती तो अक्सरियत मौत के चुंगल में चली जाती। फिर जब इलाज दरियाफ्त हुआ तो अगरचे ये मॉर्टलिटी रेट में काफ़ी कमी आई है, अब इतने ज़्यादा लोग नहीं मरते हैं, लेकिन फिर भी लोग मरते हैं। और मलेरिया आज कल भी एक ख़तरनाक बीमारी है, इसको आसान और हल्का बिल्कुल ना ले, क्योंकि यही मलेरिया है ये लिवर फेलियर का सबब बन जाता है, यही मलेरिया है ये किडनी फेलियर का सबब बन जाता है, और यही मलेरिया है जो कि यही मलेरिया है जो आपके स्प्लीन को तबाह कर देता है। एनलार्ज्ड स्प्लीन जिसको हम कहते हैं वो मलेरिया की वजह से होता है। इसी मलेरिया की वजह से आपके रेड ब्लड सेल तबाह हो जाती है, और जिसकी वजह से आपको एनीमिया हो जाता है, और बिलाखिर इंसान मौत के मुंह में चला जाता है। तो आजकल की इस तरक्की याफ्ता दौर में भी मलेरिया एक ख़तरनाक बीमारी है, और मुसीबत तो ये है कि मलेरिया की पहचान भी बहुत मुश्किल है। मलेरिया की कुछ अलामात है जिसमें इंसान को बुखार हो जाता है, चिल्स इंसान यानी उसके जिस्म पर कब तक कब कभी तारी रहती है, उसको ठंड लगती है और उसको पसीने आ जाते हैं, ये कुछ अलामात है, लेकिन ये आम बुखारों में भी ऐसा होता है। तो जब तक आप टेस्ट ना करें, और याद रखें कि अमूमन यानी 80% to 90% केसेस में जो टेस्ट आप कराते हैं उसमें भी, यानी जब माइक्रोस्कोप के नीचे आप ब्लड सैंपल रखते हैं तो उसमें भी प्लाज्मोडियम जो है वो नज़र नहीं आ जाता, बहुत रेयर केसेस में वो नज़र आ जाता है, अदरवाइज़ उधर भी कोई पता नहीं चलता। तो इस तरक्की याफ्ता दौर में भी मलेरिया को डायग्नोस करना और फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट देना ये एक अहम चैलेंज है इंसानियत के सामने। देखते हैं कि इंसानियत कब तक इस पर काबू पा सकती है। अच्छा जी, अब आते हैं ट्रीटमेंट ऑप्शन हमारे पास क्या है। तो पहले मैंने थंबनेल पर लिखा है कि सिर्फ एक गोली जो है, एक टैबलेट एक बार खाने से मलेरिया का खात्मा। तो उसी तरफ आता हूँ, पहले वो बात करता हूँ फिर बाकी बातें करता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो जाए। तो कोनीन एक मेडिसन है, और ये सबसे पहली मेडिसन थी मलेरिया के इलाज के लिए जो दरियाफ्त हुई थी। कोनीन एक ऐसी मेडिसन है जिसको आप प्रोफाइलेक्सिस के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। आप अगर किसी ऐसे इलाके में जा रहे हैं जहां पर मलेरिया फैली हुई है, या किसी ऐसे इलाके से आ रहे हैं जहां पर मलेरिया फैली हुई थी, तो आप कोनीन टैबलेट जो है ये प्रोफाइलेक्सिस के तौर पर यूज़ कर लिया करें। और जितने भी हमारे इलाके हैं, ये जो हमारे कस्बे हैं जहाँ पर मच्छरों की बहतात है, आजकल तो वैसे भी गर्मियाँ हैं और मच्छर आखिर पाकिस्तान इंडिया
अफगानिस्तान में ऐसा कौन सा मकाम हो सकता है जहाँ पर मच्छर ना हो, मच्छर तो हर जगह है। तो लिहाजा ये कोनीन जो है इसकी सिर्फ एक गोली अगर आप एक हफ्ते में एक बार इस्तेमाल करें तो आपको वो पूरा हफ्ता या अगले 10 दिन अगर मच्छर काट भी ले फिर भी आपको मलेरिया नहीं होगा। तो ये प्रोफाइलेक्सिस ट्रीटमेंट है। प्रोफाइलेक्सिस ट्रीटमेंट के अलावा एक और ट्रीटमेंट ऑप्शन भी आजकल है, मौजूद है, मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन अवेलेबल है। अगर आपको बुखार हो जाए तो आप फौरन डॉक्टर के पास जाए और अपना टेस्ट करवाए तो डॉक्टर आपको मलेरिया के जो टैबलेट्स दे देगा, जो मेडिसिन दे देगा, वो टाइम अपने टाइम पर सही इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको इफाका हो जाएगा। इसके बाद जी आते हैं कि इन खामोश कातिलों से हम कैसे अपने आप को महफूज रख सकते हैं, ये जो मच्छर है, ये जो खामोश कातिल है, इससे हम अपने आप को कैसे महफूज रख सकते हैं। तो मैंने पहले आपको बताया है कि पहले इसको पहचान ले, अपने कातिल को पहचान ले, ठीक है, और फिर एहतियाती तदाबीर आप इख्तियार कर ले। एहतियाती तदाबीर में आप मच्छरदानी जो है इसमें सोया करें सुबह गुरूब आफ्ताब के वक्त और सुबह तुलू आफ्ताब के वक्त आप ग्लव्स वगैरह भी पहन लिया करें और सोक्स यानी जुराब जो है ये तो लाजमी तौर पर पहन लिया करें। इसी तरह रात के वक्त सोते हुए मॉस्किटो भगाने वाले जो मेडिसन हैं या जो लिक्विड जो अवेलेबल है मुख्तलिफ मेडिकल स्टोरों में वो भी अपने हाथों और पैरों के ऊपर ज़रूर लगा दिया करें ताकि मच्छर आपके पास करीब ना आ जाए। तो सबसे बेहतरीन एहतियात जो है वो ये है कि आप मच्छरों से ख़ुद को दूर रखें और साथ कूनीन टैबलेट जो है ये प्रोफाइलेक्सिस के तौर पर इसको यूज़ कर लिया करें। मेरे ख्याल में मलेरिया के मुताल्लिक हमने जो ज़रूरी बातें करना थी वो कर चुके हैं। ये एक खामोश कातिल है, एक खामोश बीमारी है और जब ये फैल जाए तो अमूमन पूरे इलाके में ये बीमारी फैल जाती है, लिहाजा एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह निगहबान।